हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट के बुक का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की कुछ झलकियाँ। इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं। तीनों ही पार्ट्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। आज हम इसी पार्ट को डिस्कस करते हैं। चैप्टर जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर कौन होता है? जो ब्रेड को, केक्स को बेक करता है। गोवा, यहाँ के गोवा के स्पेशल लोगों के बारे में बताया गया है। दिस इज पैन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ये पैन पोर्ट्रेट है। पैन पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट वैसे होता है जैसे कि हम ड्राइंग बना रहे हैं। पैन पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ पर हमारे हमारे माइंड में, इमेजिनेशन में एक ऐसी इमेज डाली जा रही है। जैसे मैं चैप्टर आपको पढ़ाती जाऊंगी तो आप उनका जो बेकर्स है वो क्या पहनते थे, कैसे आते थे, कैसे अपनी बास्केट फलते, उसकी आपकी एक इमेज आपके माइंड में बनती चली जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड पैन पोर्ट्रेट। अब ये जो पैन पोर्ट्रेट है एक ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर के बारे में हमें बता है, जो आज भी सोसाइटी में अपना इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है गोवा की सोसाइटी में। चलिए अब टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमाइंडिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोस गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पुर्तगीज का है गोवा पे, बहुत टाइम तक पुर्तगाल के लोगों ने अपना राज्य किया था, इसलिए आज भी गोवा में बहुत से लोग जो है अभी भी पुर्तगीज हैं। हमारे एल्डर्स, राइटर हमें क्या कह रहा है, जो हमारे बड़े हैं वो आज भी हमें हमें सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? रिमाइंड्स अस नॉस्टैल्जिकली, पुराने पास्ट को जो बहुत अच्छे मन से याद करते हैं उन लोग पुराने ओल्ड पुर्तगीज डेज के बारे में। पुर्तगीज और उनका जो लव था, उनका जो प्यार था, किस लिए? के लिए लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के पीसेस के लिए। Those eaters of loaves fight have vanished. अब वो पुर्तगीज तो कम हो चुके हैं, वैनिश मतलब गायब ही हो चुके हैं एक तरीके से, जिन्हें उस टाइम की वो ब्रेड पसंद थी। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो लोग ब्रेड्स बनाते थे उनके लिए फेमस ब्रेड, वो आज भी वहां है। वी हैव स्टिल अमंग अस द मिक्सर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। हमारे पास अभी भी वो मिक्सर्स हैं, वो मोल्डर्स, वो शेप देने वाली चीजें हैं, और वो बेकर्स हैं जो आज भी ब्रेड को बेक करते हैं। Those age gold time tested furnace still exist. Furnace यानी कि भट्टी, वो पुराने जमाने की भट्टियां आज भी हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Extinguish मतलब बुझ जाना। उन भट्टी के जो आग है वो आज भी बुझी नहीं है, मतलब आज भी यानी कि पुराने बेकर्स तो हो सकता है खत्म हो गए, लेकिन उनके जो खानदान वाले हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उस ट्रेडिशन को आज भी चलाए चलाए हुए हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बल। थर्ड एंड जिंगल जो उनके आने का, जो आने का जो शोर है, जैसे एक सब्जी वाला आता है तो हम पहचान लेते हैं कि उसकी आवाज से वो सब्जी बेच रहा है, या बैंगल्स वाला है तो उसकी आवाज से पता चलता है बैंगल्स बेच रहा है। ऐसे ही इन बेकर्स की बैम्बूस को बजाने की आदत थी, उससे पता चल जाता था कि बेकर्स उनके गांव में आ गए बेचने के लिए। हर एल्डरिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। हर एल्डरिंग मतलब अनाउंस करते हैं कि उनका मॉर्निंग में वो आ रहे हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी बहुत जगह उस चीज को सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। मे बी द फादर, फादर जो पुर्तगालीस के टाइम पे था, या उसके पापा जो पुर्तगालीस के टाइम पे थे, वो फादर आज अभी अलाइव ना हो, लेकिन उनका जो बेटा है वो आज भी उनकी बेकर की ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज अ पैडर इन गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये पैडर्स कौन है, तो ये जो बेकर्स हैं इन्हें आज भी गोवा में पैडर्स नाम से बुलाया जाता है। ड्यूरिंग आर चाइल्ड हुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। राइटर हमें आगे कहता है हमारे बचपन में गोवा में जो बेकर थे वो हमारे दोस्त थे, हमारे कंपेनियन थे, हमारे गाइड थे, मतलब हमारे आस पास के रहने वाले लोग ही थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब पहले मॉर्निंग में वो निकलते थे अपनी बेकर ब्रेड्स को बेचने के लिए। देन अगेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, शाम को वापस आते थे जब उनकी बास्केट खाली हो जाती थी, यानी कि उनके सारे जो लोव्स ऑफ ब्रेड थे वो सब बिक जाते थे। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप। जिंगलिंग थड, बैम्बू जो बैम्बू की स्टिक्स होती है उनकी जो बजने की आवाज थी वो हमें सुबह हमारी नींद से जगाते थे। We ran to meet and greet him. हम सब बच्चे भागते हुए उनसे मिलने जाते थे, greet him, उन्हें वेलकम करते थे। Why was it so? ये ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या हमें उस loaf जो bread है उससे प्यार था? Not at all. बिल्कुल नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. अब ये भी objective में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर Paskin कौन है और Bastin कौन है? ये maid servant of the house यहाँ पे दिया हुआ है। वो जो ब्रेड थे वो तो हमारे घर के सर्वेंट लेके जाते थे।
वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, हमें चाहिए होते हैं वो जो ब्रेड बैंगल जो हमें अपने लिए चाहिए होते। अब ब्रेड बैंगल्स क्या होते थे? ब्रेड बैंगल्स वो बैंगल्स होते थे जो ब्रेड्स होते थे जो बैंगल की शेप में, आप देखिए चूड़ी बिल्कुल गोल होती है, उस शेप में जो ब्रेड्स होती थी बच्चों को वो वाली ब्रेड्स पसंद थी। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभार स्पेशल तरीके से ब्रेड मीठी बनाई जाती थी। द मेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। बेकर क्या करते थे, अपना म्यूजिकल एंट्री मतलब उनकी जो आने की आवाज थी ना वो म्यूजिकल थी, अपने बैम्बू से एक ऐसा म्यूजिक बजाते थे कि सबको पता चलता था झंग झंग साउंड कि हाँ वो बेकर से आ गए। वन हैंड सपोर्टेड बास्केट ऑन हिज हैंड, एक हाथ से अपने सर पे बास्केट को सपोर्ट करते थे। अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, दूसरे हाथ से बैम्बू को जमीन पे बजाते थे जिससे म्यूजिक आता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, जब वो सुबह सुबह आते थे तो जो घर की लेडी थी उन्हें गुड मॉर्निंग ग्रीट करते थे। देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, फिर वर्टिकल बैम्बू पे अपनी बास्केट रखते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड मतलब हल्के से रिब्यूक मतलब डांटना, हम बच्चों को हल्के से कभी कभार डांट भी पड़ जाती थी। द लोफ वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, लोफ होती थी जो ब्रेड्स होते थे वो घर के सर्वेंट को देते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम बच्चे डांट खाने के बावजूद भी नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, या तो हम बेंच पर चलते या पैरापेट पर चढ़ते। पीप इन टू द बास्केट, उनकी बास्केट में झांकते थे। सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोफ्स, राइट, क्या कहते हैं मुझे आज भी वो जो अच्छी वाली ब्रेड होती थी उनकी खुशबू याद है। लोव फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए ब्रेड होते थे। द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए वो ब्रेड की शेप वाली बैंगल की शेप वाली ब्रेड होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली, राइट, क्या कहता है हम उस टाइम परवाह ही नहीं करते थे कि हमने अपना मुंह धोया है या हमने अपने टीथ पर ब्रश किया है या नहीं। वाई शुड वी, हम क्यों परवाह करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, उस टाइम कहता है हम लोग प्रॉपर जो ब्रश पेस्ट है वैसे नहीं करते थे कि कौन जाए आम के पेड़ की एक लीफ को ब्रांच को तोड़े और उससे टूथब्रश करें। Why was it necessary for all? He तो necessary नहीं था। The tiger never brushes teeth. शेर कभी ब्रश करता है क्या? Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. ठीक कहता है गर्म गर्म चाय पीते थे उससे हमारे दांत वात सब आराम से क्लीन हो जाते थे। Marriage gifts are meaningless without the sweet ब्रेड नोन एज अ बोल, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल क्या है, ये दिया यहाँ पर, सॉरी एक सेकेंड, ये दिस इज बोल। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंग लेस विदाउट अ स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। मैरिज गिफ्ट, शादी के गिफ्ट तब तक अधूरे रहते थे जब तक वहां पर वो ब्रेड नहीं गिफ्ट की जाती थी और वो ब्रेड होती थी बोल। पेपर में आ सकता है वॉट इज बोल शॉर्ट आंसर में, तब भी आप आंसर ये लिखेंगे कि मैरिज गिफ्ट आर मीनिंग लेस, मैरिज गिफ्ट दैट आर स्वीट ब्रेड आर नोन एज बोल। और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि बोल क्या है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉस्ट इट्स चार्म विदाउट फार्म, उस टाइम में जो कोई भी पार्टी हो अगर ये बोल ब्रेड नहीं होती थी तो समझ लो उस पार्टी में कोई जान नहीं होती थी। नॉट इनफ कैन बी सेट टू बी शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एक बेकर उस गाँव में उस टाइम कितनी इंपॉर्टेंस रखता होगा। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अर डॉटर्स एंगेजमेंट, जो घर की लेडी होती थी वो कुछ सैंडविच बनाती थी अपनी बेटी के एंगेजमेंट पे। केक एंड बॉली है ना बोलना कोई बोल सुबह मस्ट किस फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। केक्स एंड बोलनास ये भी पेपर में पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो स्पेशली पूछा जाता है कि केक्स एंड बोलनास ये क्रिसमस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती थी। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेजेस एब्सोल्युटली एसेंशियल, इससे जो बेकर की जो भट्टी थी ना गाँव के हर एक फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. फिर एक important आया, अब इस साल पूछ सकते हैं कि kabai क्या है, बहुत time से ये पूछा नहीं है। बेकर या फिर जो ब्रेड सेलर जो गांव गांव में या फिर जो जगह जगह गांव गोवा में रहता था और वो जो ड्रेस पहनता था उस ड्रेस को कहते थे कबाय। कबाय थी क्या, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, एक सिंगल पीस की फ्रॉक थी, फ्रॉक पहनते थे जो बिल्कुल घुटनों तक थी। इन आर चाइल्डहुड वी सॉ वॉक बेकर्स, बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पेंट्स, राइट, कहते हैं कभी कभी हमने अपने बचपन में बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर ही पहने देखा है, लेकिन ट्राउजर पूरी फुल के ट्राउजर में होते थे, हाफ पैंट से थोड़े से बड़े ट्राउजर्स वो होते थे।
विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो उनके घुटने से थोड़े से नीचे होते थे। इनवाइट्स अ कमेंडेड ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैटर्न। अभी भी अगर किसी को मतलब वैसी पैंट पहने हुए देखा जाए तो लोग उसे आज भी पैटर्न नाम से बुलाते हैं। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब बेकर अपना पेमेंट कैसे लेते हैं, जो पैसे होते थे वो बिल्कुल महीने के आखिर में देते, मतलब पूरे महीने सामान खरीदो महीने के आखिर में आपसे पहने ले पैसे लेंगे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल्स। अब मंथली अकाउंट के कितने पैसे हो गए, कितना सामान पूरे महीने खरीदा, वो दीवार पे पेंसिल्स लिखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग जो थी उस टाइम सच में प्रॉफिटेबल मतलब बहुत फायदे वाला प्रोफेशन था। द बेकर इन दिस फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर उसका जो फैमिली थी कभी भूखों नहीं मरती थी, मतलब उनकी इनकी इंपॉर्टेंस थी कि हर कोई ना कोई हर ओकेजन पे कुछ ना कुछ खरीदता था। ही हिज फैमिली हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। बेकर उसके फैमिली उसके जितने भी काम करने वाले लोग थे हमेशा हैप्पी और खुश रहते थे। देयर प्लम फिजिक्स वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। प्लम फिजिक इनकी फैटी थे या तो खाते पीते घर के लगते थे, तो इसमें ओपन टेस्टिमोनी थी, मतलब सबको पब्लिकली दिखाई देते थे कि हाँ इनके पास कोई गरीबी नहीं है, बहुत खुश है पैसे वाले। इवन टूडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी गोवा में अगर कोई इंसान जैकफ्रूट जैसी पर्सनैलिटी मतलब अच्छी खासी फिट एंड फाइन पर्सनैलिटी है, थोड़ी हेल्दी है, तो उसे आज भी बेकर्स के नाम से कंपेयर किया जाता है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो मेन मेन मैंने बताए हैं वो पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। बाय बाय।